स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड के लिए बिहार में कितना सीट्स वैकेंट है। और फ्रेंड्स, जब बताने से पहले बता दूं कि ऑफिशियली जारी नहीं किया गया, हिंदुस्तान पेपर में ये अपडेट्स किया हुआ है और कल के पेपर में, पटना के पेपर में अपडेट्स किया हुआ है। तो चलिए बताते हैं आप सबको। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है बची हुई मॉपअप राउंड में होगा दाखिला। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पटना में, पटना के पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में लिखा हुआ है राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बची हुई सीटों पर मॉपअप राउंड में दाखिला होगा। मंगलवार को दूसरी राउंड की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद भी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में 184 सीट्स बची रह गई है। इसमें MBBS में 168 और 16 सीट डेंटल में बची हुई है। फ्रेंड्स, इस पर डिस्कशन आपको पढ़ के बताने के बाद करेंगे। इस बची हुई सीटों पर मॉपअप राउंड में दाखिला होगा। BCECE KOSD अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि 23 और 31 अगस्त को मॉपअप राउंड होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र को मौका मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है इसके अलावे वैसे अभ्यर्थी दोनों राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, इन्हें मॉपअप राउंड में मौका दिया जाएगा। जिसका दाखिला हो गया है उन्हें मॉपअप राउंड में दाखिला का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज में 182 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 315 सीट लगभग बची रह गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि OSD BCECE के। और फ्रेंड्स, ये 184 सीट्स टोटल जो बची हुई है, इसका मतलब मैक्सिमम सीट पर भी काउंसलिंग नहीं हुआ, जैसे हिंदुस्तान पेपर में अपडेट्स किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई में इतना सीट बचा हुआ है, हिंदुस्तान जो पेपर है मोस्टली केस में कोई भी चीज़ गलत अपडेट्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, अब इतना सीट अगर बचा हुआ है तो फ्रेंड्स कट ऑफ अभी भी बहुत कम जाएगा। अगर इतना बचा हुआ है तो लगभग 10 मार्क्स कम जाएगा इच कैटेगरी में, मत जनरल में, EBC में और भी कैटेगरी में 10-15 और भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम जाएगा। इसका मैं एनालिसिस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा क्लियरली, ताकि आपको मैं अभी बस आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। मैं क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा कि इतना सीट बचा हुआ है तो कितना कटअप जा सकता है अभी और आगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आप सबको बताना था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वाकई में इतना सीट बचा हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि और भी बहुत ज़्यादा कटअप डाउन जाएगा। 168 सीट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि 2018 में जनरल के लिए ओनली 80 सीट के अप्रोक्स बचा हुआ था, जबकि इस बार 150 प्लस सीट सिर्फ बचा हुआ था टोटल, जो है टोटल आपको मिलाकर। या फिर देखिए 146 सीट टोटल बचा हुआ था, जिसमें 19 सीट वेटनरी और BDS का था। और टोटल सीट जो सेकेंड राउंड बचा हुआ था, सेकेंड राउंड का बता रहा हूँ, 270, और इसमें ही 168 टोटल सीट बता रहा है मॉपअप में। तो फ्रेंड्स, अगर इतना सीट रहा तो वाकई में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे क्लियरली मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि क्या रहेगा इस मार्क्स पे। और या आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कम लाइन में ही आप अपना सवाल पूछ लें, क्योंकि ज़्यादा लाइन आप लिखते हैं तो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पे मैसेज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।